हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तो हमारे पास एक वेसल है, वो इस फॉर्म में है कि एक हेमीस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो हेमीस्फेयर है बच्चों तो उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर्स है डायमीटर। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 मतलब 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। तो मुझे रेडियस मिल गया इस हेमीस्फेयर का, ये 7 है तो बेसिकली ये भी 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो गया। ठीक है, देखो पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मुझे पता चल गया भाई ये हेमीस्फेयर का ये वाला लेंथ 7 है तो मुझे सिर्फ सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। कैसे? हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 13 - 7 है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 13 - 7, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई ना। अब हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो। ठीक है, तो सिलेंडर का बच्चों क्या होता है 2πr h। ठीक है, और स्फीयर का क्या होता है 2πr²। ठीक है, बाकी तो तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं ही। तो देखो ये हो जाएगा 2 × 22/7। ठीक है, इंटू आर कितना है यहाँ पर 7, एच कितना है 6, प्लस 2 × 22/7, आर कितना है तुम्हारे पास 7 × 7। ठीक है, क्या क्या जा सकता है यहाँ से, 7 से 7 जा रहा है, 7 से 7 जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 44 × 6 प्लस 44 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 264 प्लस 44 × 7 = 428, ये हो जाएगा 308। ठीक है, सही। चलो दोनों को सम करो ज़रा सा, 264 प्लस 308 कितना बनेगा, है ना। तो 264 प्लस 308 ये हो जाएगा 127, दिस विल बी 572 राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आगे अच्छे समझ में। अब तुम आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर।